हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमृत चौधरी। और आज मैं आपके लिए एक वीकली अपडेट लाया हूँ, यानी कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आज यानी कि इस वीक में कौन कौन से मोबाइल्स लॉन्च हुए हैं, कौन कौन से अच्छी चीज़ हुई है, कौन कौन सी अच्छी न्यूज़ आई है, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है, तो आप देख लेना। और इस वीक की टेक न्यूज़ 46 to 50 है, तो अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप टेक न्यूज़ देख लेना 46 to 50, यानी कि 46 to 50 वाले न्यूज़ देखना आपको बच जाएगा। तो ये मैं आपको हर एक हफ्ते एक वीकली न्यू अपडेट देने वाला हूँ, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ले शायद इस वीडियो। सबसे पहले फ़ोन की बात करूँ जो इस वीक में आई है जो कि अच्छी है, वो है ब्लैकबेरी का Key 1, जो कि एक क्वालिटी कीबोर्ड वाली फ़ोन है। तो वो ब्लैकबेरी ने लॉन्च किया इस बार, इसकी प्राइस है 39,990 रुपीज़। ये आपको मिल सकता है amazon.in से, तो आप ले लेना। इसमें आपको क्वालिटी कीबोर्ड मिलता है। और इसकी स्पेक्स की बात करूँ, इसमें आपको 4.5 इंच की यानी कि 1920x1080p वाली स्क्रीन मिलती है, यानी कि HD और फुल HD के बीच में। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 625, 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, 3505 mAh की बैटरी, जो कि क्विक चार्ज 3.0 के साथ आती है। तो ये एक बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए फ़ोन है, तो जनरल आदमी मत लेना ये फ़ोन, जो कि बिजनेसमैन है वही फ़ोन ले सकते हैं। और मैं आपको और इंटरेस्टिंग न्यूज़ की बात करूं जो कि फ़ोन से रिलेटेड है, यानी कि सैमसंग के गैलेक्सी S7 और S7 एज में आपको 12,000 रुपीज़ का एक्सचेंज ऑफर मिल सकता है और 8,000 रुपीज़ ऑफ मिल सकता है S7 एज पे। तो जिनको भी सैमसंग के S7 और S7 एज लेना है तो वो फ़ोन ले सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, तो अच्छा फ़ोन है। और मैं आपको अगली तरह बोलूँ तो अगली फ़ोन की बात करूँ तो ASUS का ZenFone 4 16 अगस्त को लॉन्च हो सकता है, यानी कि फिलीपींस में शायद, या ताइवान में, और 19 अगस्त को लॉन्च हो सकता है, यानी कि शायद उस 16 को फिलीपींस में होगा और 19 को ताइवान में होगा। तो देखते कौन सा फ़ोन धमाल मचा सकता है ये, यानी कि ASUS ZenFone 4। और मैं आपको अग्रिम तरह भरूँ तो मोटो का G5S और G5S प्लस फ़ोन UK में लॉन्च किया गया था, US में शायद। तो मोटो G5S की स्पेक्स है 5.2 इंच की फुल HD स्क्रीन, स्नैपड्रैगन का 430, 3GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज, 3000 mAh की बैटरी, 16 MP का रियर कैमरा, 5 MP फ्रंट कैमरा विद फ्लैश, दोनों तरफ फ्लैश दी गई है। और मोटो G5S प्लस की स्पेक्स है, इसमें आपको 5.5 इंच का फुल HD स्क्रीन मिलता है, स्नैपड्रैगन का 625, इसमें आपको 13 MP के दो कैमरा मिलते हैं, 8 MP फ्रंट कैमरा विद सेल्फी फ्लैश, और उसकी प्राइस है 22,700 रुपीज़ और इसके प्राइस है 18,900 रुपीज़। तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो इतनी प्राइस होती है, यानी कि कोई अगर इंडिया में इस प्राइस में आए तो कोई मतलब नहीं है। तो ये एक वीकली अपडेट था, यानी कि ये भी फ़ोन लॉन्च किया गया था इस वीक में, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मैं आपको इस वीक की और एक फ़ोन की अपडेट करूँ तो इंडिया में इन्फिनिक्स नाम की कंपनी, जो कि जर्मनी शायद कंपनी है, कहीं कंपनी है, उन्होंने अपना दो फ़ोन लॉन्च किया था, इन्फिनिक्स का नोट 4 और इन्फिनिक्स का हॉट 4 प्रो। तो नोट 4 में आपको मिलता है 5.7 इंच का फुल HD IPS LCD पैनल विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 2.5D, इसमें आपको 3GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज, मीडियाटेक का MT6737, इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 MP फ्रंट कैमरा, 4300 mAh की बैटरी। तो प्राइस रखेंगे 9,000 रुपीज़ फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। और मैं आपको अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ूँ, तो यानी कि इन्फिनिक्स का हॉट 4 प्रो की तरफ बढ़ूँ तो इसमें आपको 5.5 इंच का HD स्क्रीन मिलता है, 5.5 वाला, 3GB की रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज शायद, इसमें आपको इतना मीडियाटेक का सेम प्रोसेसर और 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 5 MP कैमरा के साथ। तो एक यानी कि बहुत ही सेंट्रिक फ़ोन है, प्राइस बहुत ही कम है और मेरे ख्याल से सही फ़ोन है, आपको लेना हो तो ले लो वरना इग्नोर इट। तो मैं आपको बता दिया इस वीक की था। और मैं आपको इस वीक की मोबाइल की न्यूज़ की तरफ बताऊँ फिर से, तो LG का V30 में कुछ आपको OLED स्क्रीन मिल सकता है, ऐसी लीक आ रही थी, तो अब आने दो 30 अगस्त को आएगा। तो ये सब मोबाइल की न्यूज़ है, फिर आपको मैं टेक्निक थोड़ी देर बाद दूंगा, ठीक है। और मैं आपको अगली फ़ोन की तरफ बढ़ूँ तो कार्बन का एरवा नोट प्ले फोन लॉन्च किया गया था, जिसमें आपको 6 इंच की HD स्क्रीन मिलती है, एंड्रॉइड नोगोट और 7500 रुपये कीमत है। तो एक फेवरेट फ़ोन है, तो फिर मैं आपको इस वीक की और एक मोबाइल की नीचे तरफ बढ़ूँ तो कूलपैड का नोट 5 लाइट सी फोन लॉन्च किया गया था ऑफलाइन स्टोर्स के लिए, जिसमें आपको 5 इंच की HD स्क्रीन, 2GB की रैम, 16GB की इंटरनल स्टोरेज, स्नैपड्रैगन का 210, प्राइस है 7 को
चार को सात यानी कि 7777 नहीं गलती बोल से भी मत करना। और इस वीक की सबसे अच्छी न्यूज आ रही थी कि कल्ट एक कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी है, कल्ट ने अपना एक कल्ट बियॉन्ड करके 4G वोल्टी फोन लॉन्च किया है जो कि काफ़ी अच्छा फोन है 7000 रुपीज़ की वजह से। आपको इसमें आपको फुल मेटल बॉडी यूनिबॉडी का डिज़ाइन मिल जाता है, मीडियाटेक का MT6737, 3GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज, 3000mAh की बैटरी, आपको इसमें 30MP की रियर कैमरा, 30MP फ्रंट कैमरा के साथ मिल जाता है और इसमें आपको काफ़ी अच्छा बात है। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है, 5.2 इंच की HDs की मिलती है, या Amazon से 16 या 19 अगर से खरीद सकते हो तो मैं बोलूँगा Redmi 4 से अच्छा फ़ोन है ये, क्योंकि Redmi 4 से एक अच्छा फ़ोन होगा मैं करूँगा, क्योंकि Redmi 4 में यार मिलता कहाँ यार, मैं 5 चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ मिल ही रहा है। Redmi 4 मैं बोलूँगा मत लेना यार, मिल जाए तब लेना, वरना कल्ट का भी हो लेना, काफ़ी अच्छा फ़ोन है और इंडियन कंपनी है तो भाई अच्छी बात। और मैं अगले फोन की न्यूज़ की तरफ बढ़ूँ तो नोकिया 816 अगस्त को लॉन्च हो सकता है यूके में, ऐसा इनवाइट एंड स्टार्ट हो गया था तो मैंने आपको बता दिया कि नोकिया 816 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों यही रही जो मेन फोन की न्यूज़ आया था, आगे और भी न्यूज़ आई होगी तो मैंने आपको नहीं बताया, जो मेन फोन की न्यूज़ है इस वीक में मैंने आपको अभी तक बता दिया। अब मैं चलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ की तरफ, तो जो इस वीक में हुई है 5 या 6 तो मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले न्यूज़ यानी कि है कि OnePlus 3 और 3T में आपको डुअल ऐप का सपोर्ट मिल गया एक अपडेट से, तो आप इसके पास OnePlus 3T और 3T हैं, OnePlus 3 और 3T, तो आप वो फोन ले सकते हो अपडेट कर लेना सॉरी। और OnePlus 5 में आपको 4K EIS का अपडेट दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजेशन हो गया है OnePlus के 4K वीडियो में भी, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आपको अगली न्यूज़ बोलूँ वीकली अपडेट, तो सैमसंग पे में आपको SBI कार्ड का भी सपोर्ट हो गया है, तो इसके पास सैमसंग पे का फ्यूचर इनेबल फोन है तो वो इस फोन का मजा उठा सकते हो, ठीक है। और मैं आपको अगली न्यूज की तरफ बढ़ूं तो जियो इस बार फिट टॉप आया है स्पीड में, यानी कि जो एवरेज स्पीड थी पर मंथ की इसमें जियो फिट टॉप है, तो आप ये टेक न्यूज नंबर 50 देख लेना आपको पता चल जाएगी अच्छी सी, तो मैं एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि वो टॉप है। और BSNL ने अपना एक राखी प्रीपेड प्लान ऑफर लॉन्च किया था जिसमें आपको 74 रुपये में 1GB 5 दिन के लिए मिलता था डेली, 1GB पर डे 5 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉल्स इग्नोर डेट, और 666 में आपको 2GB पर डे 60 डेज के लिए भी BSNL ने प्लान निकाला था, तो मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको अगली न्यूज़ बताऊँ वीकली अपडेट, तो Xiaomi सबसे लार्जेस्ट वियरेबल ब्रांड हो गया है वर्ल्ड में, जो कि 3.2 मिलियन वियरेबल वॉचेस शिप किया है, इसीलिए वो बन गया है यानी कि टॉप ब्रांड, ठीक है। और मैं आपको अगली तरफ बढ़ूँ तो माइक्रोमैक्स का शायद एक बेजरलेस फोन आ सकता है जो कि माइक्रोमैक्स कैनवास इन्फिनिटी करके आएगा, तो आप देखते हैं वो कब आएगा, किसका कॉपी होगा वो देखना बाकी का क्या है अब कि वो कौन सा आएगा, ठीक है। और मैं आपको अगली टेक्निक बढ़ूँ जो इंटरेस्टिंग है कि सैमसंग गैलेक्सी S820 मिलियन यूनिट शिप हो गया है जब से लॉन्च हुआ है, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है कि वो हो गया है, तो अच्छा फोन है तो हो गया ना भाई, ठीक है। और मैं आपको अगली चलूँ क्या बोलते हैं मेगली टेक्नोलॉजी की तरफ, तो लेनोवो का कि एक नोट स्टॉक UI के साथ लॉन्च किया जा सकता है जो कि 9 अगस्त को लॉन्च करेगा, तो मैं ट्राई करूँगा एक खरीदने का, तो मैं आपको रिव्यू दे दूँ हो सकता है, तो वरना तो गारंटी नहीं है, मैं आपको बोलाऊँ तो बोल दी, तो स्टॉक UI आएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं आपको अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ बढ़ूँ तो ये लास्ट है और सॉलिड है कि उबर पार्टनर किया है दिल्ली पुलिस के साथ एक हिम्मत ऐप लॉन्च करने का, जिससे कि यानी कि हिम्मत ऐप ओमेन के लिए होगा, ओमेन के सिक्योरिटी के लिए होने वाला है ये ऐप, कि अब वो ऐप में काम कर रहा है तो जल्दी वो ऐप आ सकता है उबर का हिम्मत ऐप, जो कि ओमेन की सिक्योरिटी दिल्ली के लिए होगा, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी सारे रेप की न्यूज़ आते हैं और छेड़खानी के भी न्यूज़ आते हैं, तो दिल्ली के लिए एक्सक्लूसिव ये ऐप बनाया गया है उबर की तरफ से, तो काफ़ी अच्छी बात, मतलब काफ़ी अच्छी बात है। तो और एक दो न्यूज़ आपको मैं और बता देता हूँ जो इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको बता दिया, तो पेटीएम अपना एक यानी कि पेटीएम अगर आपका फ़ोन, अगर आपके पास फ़ोन है ना एंड्रॉयड फ़ोन, तो आपके अपने फ़ोन बुक में भी पेटीएम का सपोर्ट आ गया है, तो आप डायरेक्टली फ़ोन बुक से पेटीएम पे पैसेज कर सकते हैं। सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड न्यूज़ यार, काफ़ी सारे लड़के जब बिना मतलब चिल्ला रहे यार, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इंटरग्रेट भले मेरा आवाज़ सुनो उनको इग्नोर करो। तो पेटीएम में भी आपको यानी कि मैसेज का सपोर्ट मिल गया है, यानी कि वो भी हो सकता है फोन बुक से भेज सकते हो। और पेटीएम एक और न्यूज़ आ रही थी कि पेटीएम अब व्हाट्सएप बनने वाला है, यानी कि पेटीएम में भी आप व्हाट्सएप जैसे फीचर आने वाले हैं, यानी कि आप मैसेज भी कर सकते हो और चैट भी कर सकते हो वाइल पेटीएम पे आप चैट और मैसेज दोनों कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आपको एक और मोबाइल की न्यूज़ मैंने बताना भूल गया कि OnePlus 5 का गोल्ड कलर 7 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, मैं आपको कन्फर्म कॉन्फिडेंटली गोल्ड बोल दिया हूँ, क्योंकि
अमेजन के पुल से उन्होंने लीक कर दिया था कि वो गोल्ड ही होने वाला है, तो मिंट गोल्ड होने वाला है 7 अगस्त को आ जाएगा। अब देखते कौन से वेरियंट में आएगा। और मैं आपको अगली तरह बताऊँ तो एक और न्यूज़ बताता हूँ आपको कि एयरटेल कंबाइन किया है HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल पंप है जो कि 14,000 पेट्रोल पंप ऑल इंडिया में कवर्ड करते हैं, उनके साथ कोलैब किया है और यानी कि उनके साथ पार्टनरशिप की है कि अगर आपके घर के पास कोई भी HP के पेट्रोलियम पंप है तो वहाँ आप जाके कैश डिपॉजिट कर सकते हो एयरटेल मनी में, तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बात है, एयरटेल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है तो करने दो। तो दोस्तों ये टेक न्यूज़ के बाद जो मेन फोन है जिसको मेन फोन लॉन्च किया गया था, मुझे सबसे अच्छा लगा इस फोन में ब्लैकबेरी का Q1 इन्फिनिक्स का नोट 4 इन्फिनिक्स का हार्ड 4 प्रो कल का बियॉन्ड जो कि मुझे बहुत ही अच्छा फोन लगा, मैंने आपको बता दिया जो कि मुझे अच्छा लगा, मैं पर्सनली भी बताया हूँ। सो ये रही टेक न्यूज़ की बात। और रिव्यू अपडेट्स की बात करूँ तो मेरे बारे में मोर टू नो अवॉर्ड में आपको वीडियो आपने मिल जाएगा 8 बजे, ये वीडियो आपको 4 बजे या 3 बजे तक मैं दे दूंगा। सो बाय गाइस, मिलते हैं हमको कल से रेगुलरली टेक न्यूज में। इफ यू लाइक दिस वीडियो किस सम स्टफ सिक्योरिटी एंड फूड इट ऑन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी फ्रेंडशिप डे।